नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। अगर आपका टीसीएस का एग्जाम बिगड़ गया है, अभी तक रिजल्ट और इंटरव्यू का मेल नहीं आया है, या आपको अभी तक और किसी कंपनी से ऑफर नहीं आया, या टीसीएस में काम करने की जिद है भाई, या टीसीएस से ऑफर आ गया है और हायर पैकेज चाहिए, टीसीएस की टाइड अप कंपनीज में काम करना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका ईयर ऑफ पास आउट 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 या 2024 है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 9 अक्टूबर को टीसीएस एनक्यूटी का एक और एग्जाम होने वाला है, 24 सितंबर उसकी लास्ट डेट होने वाली है। कंप्लीट डिटेल आपको यहां पर देने वाला हूं। 19 लाख तक का पैकेज आपको यहां से मिलने वाला है भाई। जिनको रिजल्ट और इंटरव्यू का मेल नहीं आया है भाई, आप मेल का वेट करें, लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क मत लें भाई, आप बैकअप पर दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं भाई। जिनका मेल आ गया है भाई, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं ताकि आपको टाइड अप कंपनीज में जॉब मिले और बढ़िया पैकेज आपका हो भाई, है ना। अगर जो लोग भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारा रेज्यूम और इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आपको उन पर कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो के एंड में कंप्लीट कोर्स की डिटेल दे दूंगा। जो लोग टीसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारा टीसीएस सुपर सेट कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन पर कॉल करके आप कोर्स की डिटेल जान सकते हो। वीडियो के एंड में भी मैं आपको डिटेल दे दूंगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर समझते हैं क्या पॉइंट है। देखिए भाई, 9 अक्टूबर को एग्जाम है, आपको यहाँ पर 1.6 लाख के ऊपर जॉब्स यहां पर मिलने वाली है आईटी और नॉन आईटी डोमेन्स में। अभी तक ये दे चुके हैं, इनफैक्ट जॉब्स मिलने वाली है नहीं, अभी तक इतनी जॉब्स ये प्रोवाइड कर चुके हैं टीसीएस। 1000 से ऊपर कंपनीज कॉर्पोरेट्स के साथ इनका टाई अप है भाई। टीसीएस खुद है इसमें, टाटा पावर, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, आईटीसी, इंफोटेक और बहुत सारी कंपनीज। अभी इस पर भी डिटेल देने वाला हूं। 20 से ऊपर इंडस्ट्रीज है, जरूरी नहीं आईटी, अगर आपको नॉन आईटी जॉब करना है तो भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है भाई। 20 से ऊपर इनके पास आईटी रोल्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर, और 150 प्लस नॉन आईटी रोल्स हैं, और 19 लाख का हाईएस्ट पैकेज जो है वो आपको ऑफर कर रहे हैं इस एक एग्जाम के थ्रू भाई। तो मेक श्योर इसको मिस आउट नहीं करना है भाई हमको। अच्छा, कैसे क्या अप्लाई करना है उस पर हम बात करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, क्या भैया टीसीएस रिक्रूट करती है क्या इस एग्जाम से? ये बेसिकली पेड एनक्यूटी एग्जाम है, तो एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है, क्या पेड एनक्यूटी एग्जाम से टीसीएस रिक्रूट करती है क्या? देखो मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दो कंपनीज हैं, एक है टीसीएस, एक है इंफोसिस, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, है ना। अब मान लो टीसीएस को भी नीड है 40,000 फ्रेशर की, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इन्फोसिस को भी नीड है 40,000 फ्रेशर की, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। अब हुआ क्या, इन्होंने क्या किया इन्फोसिस वालों ने, उन्होंने कहा यार लोग कंपनी छोड़ते हैं जिनके पास मल्टीपल ऑफर्स होते हैं, जरूरी नहीं है भाई वो हमारी कंपनी ज्वाइन करें, है ना। और कई लोग गेट का एग्जाम दे देते हैं, कई लोग अपने पिताजी के बिजनेस में लग जाते हैं, कई लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं। तो ये क्या करेगी इन्फोसिस, 40,000 की नीड है, ये 50,000 बच्चों को रिक्रूट कर लेगी। क्यों करेगी भाई? ये उम्मीद करते हो कि 10,000 बच्चे तो छोड़ेंगे यार, 40,000 बच्चे ही होंगे जो ज्वाइन करेंगे भाई। अब 40,000 बच्चों ने ज्वाइन किया या उससे कम बच्चों ने ज्वाइन किया, ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है भाई, आईटी का क्रेज है, आईटी फ्यूचर है। तो मान लो 45,000 बच्चों ने ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी कि भैया हमको ज्वाइन करना है, इनमें से 5,000 बच्चों ने बैक ऑफ कर दिया, 45,000 ने रिक्वेस्ट कर दी। अब वैकेंसी तो 40,000 की है, 5,000 की एडिशनल वैकेंसी तो क्रिएट करेंगे नहीं, तो ये जो 5,000 बच्चे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ये इनको हॉल्ट पे डाल दिया जाता है। इसलिए आजकल आप देख रहे हो बहुत ट्रेंडिंग है कि भाई ऑनबोर्डिंग या ऑफर लेटर जनरेट ही नहीं कर रही कंपनी सेलेक्ट करने के बाद, वो इसीलिए हो रहा है। जबकि टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उनके लिए उनकी रेप्यूटेशन सब कुछ है। तो टीसीएस क्या करती है, अगर मान लो मुझे 40,000 एम्प्लॉइज चाहिए हैं, तो मैं 40,000 को ही रिक्रूट करूंगा, 50,000 को नहीं करूंगा। अब मैंने 40,000 को रिक्रूट कर लिया, मान लो 40 में से 30,000 लोगों ने ज्वाइन किया, अब 10,000 सीट्स तो खाली रह गई भाई, क्या करें? तो इस 10,000 सीट को पेड एनक्यूटी के एग्जाम से भरा जाता है। तो ये जो आपको अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, उसमें आपकी रैंक देखी जाएगी भाई। जो टॉप 10,000 अगर वैकेंसी है फॉर एग्जाम्पल, तो टॉप 10,000 बच्चों को मौका दे दिया जाएगा। तो ऑन एन एवरेज हर 3 महीने में ये एग्जाम होता है, और मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 5,000 से ऊपर बच्चों को मिनिमम यहाँ पर टीसीएस के अंदर, टाइड अप कंपनीज में तो बहुत सारे बच्चों को जॉब मिल जाती है, टीसीएस के अंदर भी मिनिमम 5,000 बच्चों को यहाँ से जॉब मिलती है। तो आपका काम क्या है, देखिए भाई यहाँ पर यही मेंशन किया है, आपका काम क्या है, बहुत सिंपल सा है आपका काम। आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, एग्जाम देना है, आपको एक एनक्यूटी का स्कोर कार्ड मिलेगा, आपको एक एनक्यूटी का स्कोर मिलेगा, 2 साल तक के लिए वो स्कोर वैलिड रहेगा। उस स्कोर की हेल्प से आप इनकी वेबसाइट पर मल्टीपल जॉब ऑफर्स को अप्लाई कर सकते हो,
दूसरी कॉर्पोरेट वेबसाइट्स के साथ इन्होंने टाई अप किया, वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये स्कोर कार्ड टीसीएस के पास भी रजिस्टर्ड रहेगा, जैसे ही टीसीएस को वैकेंसी की रिक्वायरमेंट होगी वो डायरेक्टली आपके स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर देगी। एक बात और यहाँ पर समझो, कई बार ना इमीडिएट हायरिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हो गई भैया 2022 पास आउट के मेरे को 3000 लोग चाहिए फॉर एग्जाम्पल, अब 3000 लोग के लिए अलग से यार रिक्रूटमेंट निकाले, एग्जाम कंडक्ट करिए तो बेवकूफी है। तो फिर यहाँ पर फिर अगेन पेड एनक्यूटी के जो टॉप 3000 बच्चे होंगे 2022 पास आउट को, उनको इंटरव्यू का मेल शूट कर दिया जाएगा भाई, समझ रहे हो। तो बस आपको आपके एनक्यूटी का स्कोर अच्छा करना है, उस स्कोर के बेसिस पर जॉब मिलेगी। प्लस टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो टीसीएस एनक्यूटी का अगर आप स्कोर अपने रिज्यूम में मेंशन करते हो तो ये भी बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो साउंड करता है। देखिए भाई बहुत सारी कंपनीज, ये तो कुछ ही कंपनीज मेंशन है, बट बहुत सारी कंपनीज है जो टीसीएस के स्कोर के बेसिस पर रिक्रूट करती है। टीसीएस खुद, टाटा, एक्सेल, एसआई, एम्फेसिस, टाइटन, परसिस्टेंट, राइट, जेनॉन स्टैक, पब्लिक सेफियंट, वेदांतु, बहुत सारी कंपनीज, अपग्रेड, राइट, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि टीसीएस के स्कोर के बेसिस पर, ये तो कुछ ही कंपनीज है, और भी बहुत सारी कंपनीज है भाई जो रिक्रूट करती है भाई। अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, अगर आप 2018 से 2024 पास आउट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर इनकेस आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको काम करते करते 2 साल से ज्यादा नहीं हुए, अगर अंडर 2 ईयर है आपका वर्क एक्सपीरियंस, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है भाई, है ना। अब यहाँ पर देखिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं, अगर इस एनक्यूटी में आपका स्कोर मान लो कुछ एक्स वाई जेड आया, या मान लो आपके 50 नंबर आ गए, है ना, अब आप सेटिस्फाइड नहीं, आप 3 महीने बाद दोबारा दे सकते हो। मान लो 3 महीने बाद आपका स्कोर 60 हो गया तो आपका स्कोर अपडेट हो जाएगा 50 से 60, लेकिन मान लो 50 की जगह अगली बार 40 ही नंबर आए तो 40 नहीं होगा 50 ही रहेगा, यानी बेस्ट आउट ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स को ट्रीट किया जाता है और फिर अकॉर्डिंगली आपको जॉब दी जाती है। तो आपका जो भी अभी करंट स्कोर है अगर उससे ज्यादा आया तो स्कोर अपडेट हो जाएगा, अगर कम आया तो घबराइएगा मत, आपका करंट स्कोर ही रहेगा, आउट ऑफ ऑल अटेम्प्ट जो हाईएस्ट आपके मार्क्स आए होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यार एक स्कोर कार्ड मिलता है, आपकी फोटो होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में कितने मार्क्स आए, आपके वर्बल एबिलिटी में, रीजनिंग एबिलिटी में टोटल कितने मार्क्स आए, ये आपको मिलता है। तो यार ये एक जजमेंट होता है कि यार आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स कैसी हैं, इसके बेसिस पर आपको यार जॉब मिल जाती है। तो ये तीनों सेगमेंट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी, अच्छे से आपको यार तैयार करना है। तो ये एप्टीट्यूड होता है, ये लॉजिकल रीजनिंग होता है और ये आपकी इंग्लिश होती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको करना क्या, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्या लेना है क्या नहीं लेना है भाई। ऑब्वियसली इट्स अ पेड एग्जाम, तो इसकी फीस होती है, बेयर मिनिमम फीस है 999 रुपए भाई, हमको कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, ये प्योर टीसीएस की तरफ से, बस आपका फायदा हो जाए इसलिए वीडियो शूट करो, तो लाइक कर देना। 999 रुपए आपको पे करना है, लेकिन आपको 25 से 30 हजार रुपए पर मंथ मिल रहे हैं, तो ये बहुत मिनिमम पैसा है भाई। आपको कुछ नहीं करना, बस इसको बाय नाउ कर लेना है, दैट्स इट, बाय नाउ कर लेना है, और फिर आपको डायरेक्टली 2 दिन पहले एग्जाम का हॉल टिकट आ जाएगा और आप एग्जाम दे पाओगे, ठीक है भाई। थोड़ी सी और जानकारी हम लेते हैं, एग्जाम पैटर्न वगैरह क्या होने वाला है। आईटी करियर रेडीनेस पैक आपको बाय करना है भाई, जिससे कि आपको आईटी जॉब मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, इतनी सारी कंपनीज हैं जो टीसीएस से टाइड अप है, तो अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो इनमें से किसी भी कंपनी से आपको जॉब ऑफर जो है वो मिल सकता है भाई। आप देखिए बच्चे 19 लाख का पैकेज लिया हुआ है भाई, ये टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर के बेसिस पे, 8 लाख का पैकेज, 4.5 लाख का पैकेज, 7 लाख का पैकेज, 4 लाख का पैकेज, 2.8 लाख का, 6.75 लाख का, 6.5 लाख का, तो बहुत सारे पैकेजेस जो है यहाँ पर मिल रहे हैं भाई, है ना। अब यहाँ पर देखो सबसे अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ, क्या एग्जाम होने वाला है, 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, 195 मिनट्स का टोटल टेस्ट होने वाला है। अगेन 2 पार्ट रहेंगे, 1 पार्ट रहेगा फाउंडेशन सेक्शन, 1 पार्ट रहेगा एडवांस सेक्शन। फाउंडेशन सेक्शन रहेगा आपका 3.5-4 लाख के पैकेज के लिए, और एडवांस सेक्शन रहेगा आपका 7 और 8 लाख और आगे के पैकेज के लिए, ठीक है भाई। फाउंडेशन सेक्शन में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी देखने को मिलेगी, 65 मार्क्स का होगा, 65 क्वेश्चंस आएंगे, 75 मिनट का टाइम मिलेगा। पार्ट बी में आपका एडवांस सेक्शन है, एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी एडवांस एप्टीट्यूड, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी और एडवांस कोडिंग होगी, 95 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एटीट्यूडनल अलाइनमेंट एनक्यूटी भाई, है ना। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते, आप देख सकते हो यहाँ पर मार्क्स नहीं मेंशन, इसका कोई स्कोर नहीं होता, जस्ट 30 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होगा, आपकी पर्सनैलिटी चेक करने की कोशिश की जाएगी भाई कि कोई सिचुएशन है ना, आप इस पर कैसा रिस्पॉन्स करोगे। लाइक ऐसा फॉर एग्जाम्पल दे दिया कि यार आपको एक ऐसे ऑफिस में काम करना पसंद है जहां पर नाइट शिफ्ट्स हैं,
अब आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, हाईली एग्री करते हो या एग्री करते हो या स्लाइटली एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा भाई, ठीक है। तो ये आप देखिए भाई यहाँ पर, तो पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई। अब यहाँ पर एक बार ना फर्दर ब्रेक डाउन भी देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप देखिए भाई पार्ट ए में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी है, न्यूमेरिकल में 20 क्वेश्चन 25 मिनट, वर्बल में 25 क्वेश्चन 25 मिनट, रीजनिंग में 20 क्वेश्चन 25 मिनट, इस तरीके से 65 क्वेश्चन आएंगे, 75 मिनट का टाइम मिलेगा। ये हो गया पार्ट ए। पार्ट बी में एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एडवांस रीजनिंग और कोडिंग। एडवांस क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 10 क्वेश्चन 20 मिनट, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन 15 मिनट, कोडिंग में 2 क्वेश्चन 55 मिनट, टोटल 87 क्वेश्चन 165 मिनट्स के लिए। अब आप यहां पर देखो आपको तैयार क्या करना है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और कोडिंग, ये चार चीजें हमको बेसिकली तैयार करना है और टाइम लिमिट बहुत कम मिल रही है भाई, है ना। तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसके लिए जितनी ज्यादा आप ट्रिक सीख सकते हो उतना अच्छा है, ठीक है भाई। देखिए जॉब्स में कैसे अप्लाई करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको आपका एग्जाम देना है, एनक्यूटी स्कोर आ जाएगा आपकी ईमेल पर जैसे एग्जाम का रिजल्ट क्लियर होगा। फिर आपको कुछ नहीं करना, देखिए भाई नीचे आप आइए और नीचे आइए और नीचे आइए और नीचे आइए, इसी वेबसाइट पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए गेट हायर्ड बाय दीज टॉप कॉर्पोरेट्स, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, आप व्यू मोर पर क्लिक करेंगे और भी आएंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप TCS में तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपके एनक्यूटी के स्कोर के बेसिस पर TCS खुद सामने से इंटरव्यू का मेल करेगा, लेकिन बाकी कंपनीज में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी, फॉर एग्जांपल टाटा ELXSI पर मैंने क्लिक किया अप्लाई नाउ पर। अब देखिए भाई यहां पर ना TCS का पूरा जॉब पोर्टल खुल गया, कौन सी जॉब्स अवेलेबल है देखिए 362 फिलहाल जॉब्स अवेलेबल है, आप देख रहे हो भाई। तो यहाँ पर अप्लाई बिफोर है, जॉब्स है, किस किस कंपनी ने पोस्ट की, ये सब TCS टाइड अप कंपनीज है भाई, आप देख सकते हो। क्या क्या जॉब लोकेशन होने वाली है वो भी देख लीजिए, मल्टीपल सिटीज भी है कई में जॉब लोकेशन, सब कुछ है भाई, आप यहाँ पर देख सकते हो सारी जॉब्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी भाई। उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल जॉब्स भी हैं, ये TCS टाइड अप कंपनीज नहीं है लेकिन ये TCS का एनक्यूटी का स्कोर एक्सेप्ट करती है, तो आप इन कंपनीज में भी आप देख सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो और अपने रेज्यूमे में स्कोर को अटैच कर सकते हो, जिससे कि आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है बढ़ जाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे अप्लाई करेंगे फाइनली वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल जाएगी, लेकिन आप चाहो तो गूगल पर TCS NQT टाइप करोगे ना, सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी इसकी, है ना। 24 सितंबर से पहले आप अप्लाई कर देना भाई, है ना। तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पर, आप जैसे इस पर आओगे बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे तो वो आपको अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा, तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट, डायरेक्टली लॉग इन करके आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है भाई, क्लियर है, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको यार कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर दी है, तो भाई इसको जरूर से अप्लाई कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से यार आपको वीडियो पसंद आई होगी, जल्दी से मैं आपको बता भी देता हूँ प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी भाई। देखिए भाई जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको मेल ऑलरेडी आ चुका है, तो आप हमारा रेज्यूमे और इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स चेकआउट कर सकते हैं, सिर्फ TCS के लिए नहीं बाकी और भी कंपनीज के लिए है, ठीक है, इसकी भी डिटेल दूंगा। TCS की प्रिपरेशन के लिए आप TCS सुपरसेट कोर्स को चेकआउट कर सकते हो भाई, यहाँ पर आप देखिए सारी चीजें प्रेजेंट है A to Z, है ना। आप कोर्स को परचेस करने से पहले ही आप सारी हेडिंग्स देख सकते हो भाई, कोर्स परचेस कर लोगे तो वीडियोस, नोट्स और टेस्ट अनलॉक हो जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए मैं ऑलरेडी लाइव क्लासेस ले चुका हूँ काफी सारी, 50 के ऊपर, तो उन सबकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। टॉपिक वाइज प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे, तो वीडियोज भी हैं टॉपिक बाय टॉपिक, टेस्ट भी हैं, 100+ शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल रही है क्योंकि समय कम मिलता है भाई, और प्रायोरिटी वाइज कंटेंट हमने स्ट्रक्चर करके दिया हुआ है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। TCS के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर्ड है, अलग से एक टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है भाई, यहाँ पर आपको 85% से ज्यादा लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं, 100 लोग अगर कोर्स परचेस करते हैं कंप्लीट करते हैं तो 85 के ऊपर सिलेक्ट हो जाते हैं। एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, प्रोग्रामिंग, MCQ, कोडिंग, ये सब कुछ इसमें कवर्ड है। प्रोग्रामिंग MCQ आजकल नहीं आता है बट वो भी इसमें प्रेजेंट है, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जल्दी से एक बार मैं बता देता हूँ, अभी भी जो फ्री एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे बच्चों का इस कोर्स की हेल्प से सिलेक्शन हुआ था। देखिए भाई प्रायोरिटी वाइज कंटेंट का मतलब क्या है, एक एक टॉपिक मैंने कवर किए हैं, ऊपर वाले टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे नीचे आओगे इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी, तो ऊपर वाले टॉपिक्स को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज हमको देना है। उसके अलावा जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेज्यूम और इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो 1-on-1, इसमें मैं आपको पर्सनल मॉक इंटरव्यू लूंगा। अगर मैं इसकी डिटेल की बात करूं तो इसमें सारे TCS के अभी तक टेक्निकल HR जितने क्वेश्चंस पूछे हैं ये सब कवर्ड है,
पर्सनलाइज वन ऑन वन मॉक इंटरव्यू भी आपका मैं यहाँ पर लूंगा, प्लस आपको फीडबैक कॉल दूंगा, प्लस बाकी बच्चों के भी आप मॉक इंटरव्यूज और फीडबैक कॉल देख करके सीख सकते हो। टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन वीडियोस है, रेज्यूमे की पूरी ट्रेनिंग कैसे रेज्यूमे आपको बनाना है, और वन ऑन वन में खुद आपका रेज्यूम वेरीफाई भी करने वाला हूँ। तो दोनों कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, चाहे तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, आगे आपके लिए और अपडेट्स वीडियो बनाता रहूंगा। मेक श्योर इसमें अप्लाई जरूर कर दें यार, बहुत बढ़िया ड्राइव आपके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।